दोस्तों आपको ये जो चीज़ दिखाई दी है ये था कार्बाइड और इस पर मैंने डाला थोड़ा सा पानी, गैस निकली और गैस पे मैंने जैसे ही थोड़ी सी आग दिखाई इसमें आग लग गई। अब इसमें से जो गैस निकली दोस्तों वो गैस थी एसिटिलीन गैस और इसी कार्बाइड का यूज करते हुए आंखी गन बनाई है। ये कैल्शियम कार्बाइड होता है दोस्तों, गैस वेल्डिंग वाले की दुकान पे आराम से आपको 80 रुपए केजी मिल जाएगा। और अगर आपको ये गन पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। दोस्तों हमारी बंदर भगाने की गन बनाने के लिए मैं जो सामान यूज करने वाला हूँ वो है, देखिए यह 2 इंची पाइप की एक कैप मैंने ली है, देखिए 2 इंची बाई 1/2 इंची का एक रिड्यूसर मैंने लिया है। एक्चुअली मार्केट में यही अवेलेबल था तो मैं इसी के साथ बना रहा हूँ। आप 2 इंची बाई 1 इंची का रिड्यूसर भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो काफी अच्छा रहेगा। बॉडी बनाने के लिए 2 इंची का पाइप यूज करने वाले हैं, इसका बैरल बनाने के लिए हम ये 1.5 इंची का पाइप यूज करने वाले हैं। अब मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ ये बहुत ही सस्ती बनने वाली है, बहुत ही अच्छे एक हर एक किसान के काम की चीज़ है ये, कोई भी इसे बना सकता है। जहाँ पे बंदर आते हों या कोई बिल्लियाँ या कोई भी जानवर चिड़िया भगानी हो तो ये गन हम यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा और सस्ता प्रोजेक्ट है ये। दोस्तों एक इसका हैंडल बनाने के लिए मैंने एक यही 1.5 इंची का पाइप मैं 1 फुट मार्केट से लेके आया था, इसी को 6-6 इंच मैंने काट लिया है। एक इसमें ऐसे कर्व बनाया है मैंने कटर की हेल्प से, पहले मैंने हमारा ये छोटा कटर आता है इसकी कटर की हेल्प से मैंने ऐसे काट लिया है दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके, और फिर इस कटर से हमारा जो पेपर कटर आता है इसकी हेल्प से धीरे धीरे ऐसे छील छील के इस तरह से बना लिया कि हमें यहाँ पे हमारे ये ऐसे चिपक जाए तो हम इसकी ये हमारी गन की मैन बॉडी रहेगी और ये इस तरह से चिपक जाएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो एक हम यूज़ करने वाले हैं ये गैस का लाइटर। दोस्तों हमें गैस लाइटर का सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट लेके मैं यहाँ से जब हम इसको प्रेस करते हैं तो दोस्तों इसमें से चिंगारी निकल के इस वाले पार्ट के ऊपर जाती है, तो मैं एक वायर इस पे बांधूंगा। दोस्तों इसके पीछे मैंने वायर बांध के इसको मैंने बाहर निकाल लिया और यहाँ पे एक टेप लगा दी है ताकि ये यहाँ से शॉर्ट ना हो। और ये जो तार आपको दिख रहा होगा, देखिए ये जो तार मैंने बाहर निकाला है दोस्तों, ये इस तार के ऊपर ऐसे स्पार्क करता है जब हम दबाते हैं, तो देखिए ऐसे ये लाइटर काम करता है। असेंबली को हम एज ए ट्रिगर यूज करेंगे, इसका बनाएंगे हम इसका हैंडल पकड़ने के लिए और इस पाइप के अंदर ही हम इसको यहाँ पे ऐसे इंस्टॉल करेंगे। छोटा सा ढक्कन है दोस्तों, ये ढक्कन मैं इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे लगा दूंगा हॉट ग्लू की हेल्प से, तो ये हमारा यहाँ पे ढक्कन लग जाएगा। इसके नीचे मैं होल करके इसको अंदर से डालूंगा, ये वाली असेंबली इसके नीचे लगाऊंगा, तो ये जब भी दबेगा ये ढक्कन को दबाएंगे यहाँ पे होल करने के बाद ऐसे दबाएंगे तो ये हमारा ट्रिगर दबेगा ऊपर दोनों साइड में, ये ऊपर यहाँ पे स्पार्क होगा, ये हमारी बॉडी के अंदर हम डाल देंगे। तो मैं जल्दी से यहाँ पे होल कर लेता हूँ दोस्तों। हमने ढक्कन डाल दिया दोस्तों, देखिए यहाँ पे, और ये जो हमारा ट्रिगर है दोनों वायर हैं ये हम इसमें यहाँ पे ऐसे लगाएंगे। अब ये ऊपर नीचे ना जाए, ऐसे हिले ना, इसके लिए मैं इसके नीचे एक पट्टी लगाऊंगा। आप लकड़ी का टुकड़ा भी लगा सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास फोम बोर्ड का टुकड़ा है ये वाला। अब मैं इस ढक्कन को यहाँ पे डाल के यहाँ पे चिपका देता हूँ हॉट ग्लू की हेल्प से। तो ये हमारा ट्रिगर चिपक गया है, ये जब हम प्रेस करेंगे तो पीछे ना खिसके, इसके लिए मैं इसके यहाँ पे एक टुकड़ा लगा दूंगा दोस्तों, यहाँ पे ऐसे ही पत्ती का टुकड़ा एक यहाँ पे लगा देंगे ताकि इसको बैक सपोर्ट मिल जाएगा यहाँ से। ये हमारी ट्रिगर असेंबली रेडी हो गई है, अब जल्दी से हम चलते हैं हमारी गन की बॉडी जोड़ लेते हैं। एक ऑटोमेटिक गन भी बनाएंगे, अगले मेरे किसी सब्सक्राइबर ने ये डिमांड रखी है कि सर आप एक ऑटोमेटिक गन बनाइए, तो मैं ऑटोमेटिक गन भी बनाऊंगा दोस्तों। मेरे चैनल पे आप जाइएगा देखिएगा, एक ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छी एक मंकी गन बनाई हुई है मैंने, बहुत अच्छी है, कार्बाइड गन है वो और काफ़ी पॉपुलर है, आप जाके देखिएगा। ये हमने छोटी गन बनाई है, अब मैं इसको यहाँ पर फिक्स करूँगा दोस्तों। देखिए हमने जो दो वायर निकाले हैं ये दोनों वायर मैं पतले से होल करके यहाँ पे इनको इसमें ऐसे फिक्स करूँगा ताकि ये होल निकल के अंदर इसमें आ जाए, हमारे इस पाइप में आ जाए, मैन पाइप में। होल करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ फ्रेंड्स ये वाली ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन का वीडियो आपको चैनल पर मिलेगा। दोस्तों ये हमारी बैक कैप चिपक गई है अच्छे से, और ये ऊपर से देख सकते हैं हम यहाँ पे करने वाले दोस्तों एक होल। दोस्तों ये हमारा होल यहाँ पे मैंने कर लिया है,
एक्चुअली हमें इस होल को कवर करना पड़ेगा दोस्तों, आगे हम यहाँ पे कैप लगा देंगे, हमारे रिड्यूसर लगा देंगे, बट हमें इसको यहाँ पे जैसे ये रिड्यूसर यहाँ ऐसे लगेगा, थोड़ा मैं ठोक दूंगा तो ये बाहर नहीं निकलेगा। अभी जैसे इसके ऊपर हमें एक कैप लगानी पड़ेगी ताकि हम इसको ऐसे एज ए स्लाइडिंग कैप लगा लें। तो दोस्तों देखिए, मैं इसी पाइप, यही पाइप मैंने एक फिट लिया था, इसी पाइप को मैंने बीच में से ऐसे काटा है और ये ऐसे इसके ऊपर ऐसे स्लाइडिंग वाला जुगाड़ हमारा बन जाएगा। आप अच्छे से देख सकते हैं, ये ऐसे स्लाइड करने पे हमारा ये ढक जाएगा और एक्चुअली रिड्यूसर यहाँ पे ऐसे लगेगा। तो जब हम इसको आगे करेंगे, थोड़ा सा मैं इस रिंग को पतला कर दूंगा ऐसे, जब हम इसको आगे करेंगे तो होल साफ रहेगा और पीछे करेंगे तो हमारा यहाँ पे होल को कवर कर लेगा। यहाँ पे मैं होल ऐसे दो छोटे छोटे टुकड़े लगा दूंगा ताकि ये हमारा कवर रहेगा, ये ऐसे पीछे करेंगे तो इसी के ऊपर आएगा। कैप को भरने के लिए मैंने इसी पाइप का एक छोटा सा पीस काट लिया है, वो इसमें ऐसे लगा के और यहाँ पे चिपका दूंगा ताकि ये अच्छे से फिर ऐसे स्लाइड करेगा इस पर। दोस्तों देखिए, दो टुकड़े यहाँ पे चिपक गए हैं और ये हम जब इसको पीछे स्लाइड करते हैं तो होल अच्छे से कवर हो रहा है, आगे करते हैं तो होल खुल रहा है और ये ट्रिगर हमारा यहाँ पे है। अगर आपको पसंद आ रही है तो दोस्तों लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अब हम इसका मजर लगा देते हैं। मेरे हाथ में है छोटा सा कार्बाइड का टुकड़ा, आपको अच्छे से दिख रहा होगा, देखिए कितना छोटा है ये, ठीक है, ये पतला सा छोटा सा टुकड़ा है, ये मैं इस गन में डालने वाला हूँ। गन के ऊपर मैंने होल बनाया है तो इसमें एक्चुअली ये टुकड़ा बड़ा है तो मैं सामने से डालूंगा, छोटा टुकड़ा हम इसमें से डाल सकते हैं, ठीक है। अब ये टुकड़ा मैं इसमें डाल के इस पर थोड़ा सा पानी डालूंगा, फिर हमारा ट्रिगर प्रेस करेंगे तो बहुत अच्छा ये साउंड देगा। हल्का सा इसमें पानी डालूंगा दोस्तों, इसमें से गैस बनना शुरू हो गया है,